पंजाबराव देशमुख स्मृति हॉल में स्टेशनरी घोटाले पर नियुक्त जांच कमेटी के वर्किंग मॉडल को तय करने के लिए बैठक की गई। जांच समिति के अध्यक्ष अविनाश ठाकरे, सदस्य तानाजी वनवे, अधिवक्ता संजय बाल पांडे, संदीप जाधव, सदस्य वैशाली नारनवे, निगम सचिव डॉक्टर रंजना लाड़े, सहायक विधि अधिकारी प्रकाश बर्दे, सुरेश परवाचे उपस्थित थे। जांच समिति के अध्यक्ष अविनाश ठाकरे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख ने शिकायत दर्ज कराई थी, इसलिए पुलिस स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जांच कर रही है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, पुस्तकालय, जन्म एवं मृत्यु विभाग में भी 31 दिसंबर 2021 को हुई विधानसभा में पदाधिकारियों एवं नगर सेवकों द्वारा स्टेशनरी घोटाले की आशंका जताई गई थी, इसीलिए इन विभागों में होने वाली लेन देन की भी जांच होनी चाहिए। अविनाश ठाकरे ने पुलिस आयुक्त को इस संबंध में जांच पत्र देने के निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।